गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास है मेरे लिए। आपने थोड़ा सा तो हिंट मिल गया होगा आप लोगों को स्टार्टिंग में देख के। सो यस, हम जा रहे हैं आज कहीं कुछ लेने के लिए। सो थोड़ा थोड़ा, मतलब पूरा अभी नहीं बताऊँगी, चलो थोड़ा आगे देखो व्लॉग में, फिर बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या लेने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, प्लान हमारा ये था कि हम बर्थडे से पहले गिफ्ट ले लेंगे मेरा, पर एक्चुअली हमें टाइम नहीं मिला। दोनों दिन हम बाहर ही थे पूरा दिन, फिर गिफ्ट लेने का मौका ही नहीं मिला। आज ही ऑफिस गए हैं, ऑफिस से जैसे ही आए हैं मैं बोलूँ आज चलो भाई, अब और देर नहीं। तो बस अभी हम जस्ट निकल गए हैं घर से बाहर और कैब आने वाला है, हम बाहर वेट कर रहे हैं। आई थिंक आ ही गया है, नहीं है तो उल्टा चल दिया है, देखते हैं हम क्या लेते हैं। और पता है आज ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी, मैं तो हाफ हाफ पहन के निकल गई, मुझे तो लगा ठंड उतनी है नहीं, नॉर्मल सी ठंड है, बट आज जैसे ही बाहर निकली ना ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। सो बस यहाँ हमारा कैब भी आ गया है, अब चलते हैं, 10 मिनट का रास्ता है बस पहुँच जाएंगे। सो हम जा रहे थे बारवा विलेज, वहीं से हमने लिया था गोल्ड पहले, लास्ट टाइम मुझे याद नहीं मैं कहाँ गई थी, बट मालाबार से ही लिया था मैंने, बट इस बार हम बारवा गए थे क्योंकि वो पास में ही है। सो बस यहाँ पे ना मालाबार एंड कल्याण सब आसपास में ही है, तो पहले हमने कल्याण सोचा जाएंगे, बट फिर हमें थकी चलो यार हमेशा तो मालाबार से लेते यहीं ले लेते हैं। और आज पता नहीं क्या स्पेशल था, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, शायद नया साल है इसलिए सब नए एकदम सबके सब आ गए हैं लेने के लिए और बहुत भीड़ थी, तो हमें ना 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, 10-15 मिनट नहीं आई थिंक 10 मिनट, हाँ 10 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने देखना स्टार्ट किया और मैंने पहले ना बैंगल्स देखे, काफ़ी सुंदर बैंगल्स थे यार, आप खुद भी देख सकते हो। और यार देखो, मैंने इसलिए बहुत अच्छे से मतलब गोल्ड की वीडियो लगा क्योंकि लोगों को देखना बहुत पसंद होता है, ये देख सकते हो ये सारे नेकलेस सेट है, काफ़ी सुंदर है। फिर थोड़े से मैंने इयररिंग्स वगैरह भी देखे और अब मैंने क्या लिया ना, ये थोड़ा सस्पेंस है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में घर जाके मैंने क्या लिया है, अभी आप पहले गेस करो मैंने क्या लिया होगा। बैंगल्स देखे बहुत सारे, फिर इयररिंग्स देखे और सारे मतलब इतने सुंदर थे ना यार, और इयररिंग्स देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स हैं, ये सारे ही मतलब क्या बताऊँ मैं, देख के मन करता है मैं 2-3 ले लूँ इसमें से, बट इतने तो ले नहीं सकते ना, एक ही लेना पड़ेगा। सो और फिर यहाँ आप देख सकते हो ये चेन थे, ब्रेसलेट थे, और यहाँ फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है और मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड का चेहरा, वो कैसा मुँह बना के खड़े होंगे यहाँ भी। मैंने उनको बोला देखो देखो एक बार इधर, ये देखो मेरी बुराई चल रही है यहाँ में। सर बस मैंने थोड़ा सा वीडियो को मतलब उनका वॉइस कट कर दी क्योंकि वो बोल रहे थे देखो ये मेरा हमेशा वो करवाती रहती है, ये करवाती रहती है। और यहाँ हमारी जस्ट बिलिंग हो रही थी, सो हमारा जो हमने लिया था वो भी बस बिल करके दे रहे थे। चलते हैं बाहर निकलते हैं और पहले तो कुछ खाते पीते हैं यार, थोड़ा सा गोल्ड लिया है तो गोल्ड लेने की खुशी में थोड़ी पार्टी तो बनती है ना। कुछ देख नहीं रहा लेकिन आप देख रहे। पार्टी करने आए हम, पार्टी करने बॉम्बे तो पार्टी भी है, चले भाई। तो क्या वो तो जा ट्राई करते देसी चाट, हाँ वहाँ पे बैठे खाने वाला नहीं था, पानी पूरी भी खाने वाला। तो गाइस गोल्ड गोल्ड लेने के बाद हम आए हैं पानी पूरी खाने, यहाँ पे लाइव पानी पूरी काउंटर है, सो बस हम सोचे चलो ट्राई किया जाए। सो देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का, इंडिया वाला टेस्ट तो नहीं मिलेगा बट स्टिल देखते हैं कैसा टेस्ट है। और अभी हम हैं मालाबार के जस्ट अपोजिट चाट वाला शॉप, वहीं गए हैं देसी चाट। मैंने एक बहुत ही अच्छा कुछ लिया है गोल्ड का, वो घर चल के दिखाती है आपको, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। बस जल्दी जल्दी घर चलते हैं, हाफ एन आवर में तो घर पहुँच जाएंगे, मैं सबको बताना भी है। और ये काउंटर खुल गया है, अभी हम खाने वाले हैं। वो गर्म है क्या? हाँ ठीक है, ज़्यादा गर्म है क्या?
तुमको क्या दिक्कत है मुझे? नहीं ज्यादा गर्म नहीं की बात नहीं है ना, अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पानी पूरी के इंतजार में। Hello guys, welcome back again to my channel. तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। So यार कल का vlog ना end ही नहीं हो पाया। जब हम लोग कल घर पे आए ना तो सनी को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग बस पानी पूरी ही खाए थे शाम को। रात को डिनर करना जरूरी था, डिनर नहीं किए थे हम लोग। तो बस फिर मैं खाना पीना बनाने में लग गई थी। फिर रात को हम लोगों ने एक हॉरर मूवी देखी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई इस वजह से। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है अभी 10:30। सारा काम वगैरह सब हो गया है, मैं खा पी के अभी जस्ट बैठी हूँ। मैं सोची चलो आपके साथ अपना वो गिफ्ट दिखाती हूँ जो मैंने कल लिया था। और मौसम काफ़ी अच्छा है, बाहर देख सकते हो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, बट ठंडी का मौसम है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठंडी में धूप बहुत सही लगता है यार। चलो फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। वेट जस्ट 2 मिनट्स। सो गेस कर सकते हैं इसमें क्या होगा? रिंग, इयर रिंग, नोज रिंग, क्या हो सकता है? चलो दिखाई देती हूँ आपको मैं। ओके सो हियर इट इज। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का है। इसकी जो डिज़ाइन है ना पीछे से वो कुछ ये डिज़ाइन ऐसा वाला। हाँ जी अभी फोकस हुआ, ये इस तरह का डिज़ाइन है पीछे से ऐसे हुक लगाने वाला, और काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही अच्छा है। सो गाइज ये था मेरा गिफ्ट। जो जिन लोगों ने भी इयर रिंग गेस किया होगा सो आप सही हैं। और कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है। लाइक मैंने अब ब्रेकफास्ट तो कर रखा है, बट यू नो मेरा मन करता कुछ हमसे चटरपटर खाने का। सो देखते हैं मैं क्या खाती हूँ। अरे हाँ मुझे एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को, वेट ऑन वेट 2 मिनट। ये देखो क्या है इसमें, कैन यू सी? लीची, ये है लीची। इंडिया में अभी लीची नहीं मिलेगा बस, बट यहाँ लीची है। ये सारे इसमें लीची भरे हुए हैं, ये तो बनाना है। सो मुझे अभी नाम नहीं पता कहाँ का लीची है ये, बट हम लोग जब कल लुलू गए थे ना कल या परसों, तो वहाँ से हमें लीची दिख गया। क्योंकि जब इंडिया में समर में लीची था ना उस वक्त यहाँ मुझे लीची दिखा ही नहीं था। पता नहीं ऐसे तो सब कुछ यहाँ मिल जाता है, बट लीची मुझे मिला नहीं था। और अभी जब हमें लीची दिखा तो पहले तो मैंने एक टेस्ट करके देखा कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, मीठा है या नहीं, बट सच्ची में यार बहुत अच्छा है। तो बस हमने थोड़ा सा लीची ले लिया है, तो अभी थोड़ा सा खाई हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, शाम तक वो भी खत्म हो जाएगा आई नो, बिकॉज मुझे लीची बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा। सो गाइज मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है और ठंड भी है। ठंड में यार चाय से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। वैसे आई एम नॉट चाय लवर, मुझे चाय उतना पसंद नहीं है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं चाय पे इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ, प्लीज़ मत सोचना। वैसे चलो बनाते हैं, पीते हैं और आपसे मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो पसंद आए दें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।